माननीय प्रधानमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संगठन का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के आगरा को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आगरा के विकास का संबंध है, यद्यपि पूरी लोकसभा में 5 विधानसभाएँ, हर विधानसभा का अलग मजाज है, हर विधानसभा की अपनी अलग समस्याएं हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि मोहल्ले का एक घोषणा पत्र होना चाहिए। जहां सड़क नहीं है वो सड़क मांगते हैं, जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल चाहिए, जहां बिजली नहीं है वहां बिजली, जहां पानी नहीं है वहां पानी, जहां नाली नहीं है वहां नाली, जहां खरंजा नहीं है वहां खरंजा, जो पार्क जी का जीर्णोद्धार। लेकिन कुल मिलाकर अगर आगरा शहर और आगरा लोकसभा का देखा जाए तो आगरा की जनता का हमेशा सपना है कि एक बैराज बने, जिससे जमुना जी के बैराज बनने से पानी का जलस्तर ऊपर आए, जल क्रीड़ाएँ वहाँ पर हो सकें, ताजमहल की बुनियाद लकड़ी है उसको नमी मिले और किसानों को सिंचाई का साधन मिले और पर्यटन को, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। दूसरा है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आगरा आता है, अगर हिंदुस्तान आता है, तो आगरा के ताजमहल को ध्यान में रख कर आता है। जब आगरा आ ही जाता है तो अन्य स्थानों पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कश्मीर, केरल भी चला जाता है। इसलिए एयर कनेक्टिविटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के लिए हो जाए। सिविल एयरपोर्ट के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा दे रखा है, छोटी सी बाधा है और प्रशासन के साथ मिलकर उस बाधा को भी दूर कर लेंगे। अभी बेंगलोर की फ्लाइट चल रही है, लॉकडाउन का समय रहा और थोड़ा संक्रमण काल, इसके बावजूद भी बेंगलोर की फ्लाइट पूरी तरह सफल रही। माननीय मंत्री जी से आज ही बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि अगले माह आगरा दिल्ली, आगरा भोपाल, आगरा अहमदाबाद, आगरा गोवा की फ्लाइट चलेंगी और उम्मीद करते हैं सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जब पर्यटन की दृष्टि से लोग निकलेंगे तो ये आगरा को लाभ मिलेगा। और क्योंकि आगरा किला वाहिद शहर है जिसकी बहुत सारी इकनॉमी पर्यटन से ही जुड़ी हुई है और दोनों कोरोना की दोनों लहरों में सबसे ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज़ अगर सफ़र की है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ की है, क्योंकि लोगों का निकलना घर से वर्जित था। इसी प्रकार से आगरा में एक इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग हमेशा करते रहे हैं तो वो भी आगरा विश्वविद्यालय जो बहुत पुराना है, जिसका 95वां वर्षगांठ अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले मनाई है, उसको अगर केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिल जाए तो एक एजुकेशन का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आगरा कॉलेज जो 1823 का है, उत्तर भारत का सबसे पुराना कॉलेज है, वो भी डीम्ड विश्वविद्यालय की सभी पात्रता रखता है। हमारा RBS कॉलेज एग्रीकल्चर के मामले में पुराने अधिकारी जहाँ भी मिलते हैं वो RBS के पढ़े हुए मिलते हैं, तो उसमें भी उसका अपग्रेडेशन हो जाए जिससे एक अच्छे कृषि विश्वविद्यालय का उसको भी दर्जा मिल सके। यही सब चीज़ें हैं जो आगरा के लिए है। और थीम पार्क है, IT का हब बन जाए, गारमेंट्स का हब बन जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की, NGT की और ताज म्यूजियम की बहुत सी बाध्यताएँ हैं, यद्यपि अदालत में बाध्यताएँ दूर हो रही हैं भारत सरकार की अच्छी पहल पर और अच्छे पैरवी पर बहुत सी चीज़ें सामान्य हो रही हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके आगरा के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।